हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, क्योंकि अंडा खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अंडे को लेकर लोगों के मन में एक सवाल काफी लंबे समय से है कि यह शाकाहारी वेज होता है या मांसाहारी नॉनवेज। नॉनवेज खाने वाले लोगों को अंडा खाने में कोई परेशानी नहीं होती और वो खा भी लेते हैं, लेकिन शाकाहारी इंसान हमेशा दुविधा में रहते हैं। आज हम आपकी इस दुविधा को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब इस बड़े सवाल का जवाब खोज लिया है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने पहले मुर्गी आई या अंडा, इस सवाल का जवाब भी ढूंढा था। वैज्ञानिकों ने बताया है कि दुनिया में पहले मुर्गी आई थी और बाद में अंडा आया था। इसी तरह अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया है। कुछ लोग मानते हैं कि अंडे को मुर्गी देती है, इसलिए वह मांसाहारी है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका जवाब खोज निकाला है। इसको साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है, लेकिन कई लोग इस थ्योरी को गलत मानते हैं। शाकाहारी लोगों का मानना है कि मुर्गी अंडा देती है, इसलिए वह नॉनवेज हुआ। इसको गलत बताने के लिए वैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि दूध भी तो जानवर से ही निकलता है, तो कैसे शाकाहारी हो गया। कई लोग मानते हैं कि मुर्गी जो अंडा देती है उससे चूजे निकलते हैं, इसकी वजह से यह शाकाहारी हुआ। लेकिन बाजार में जो अंडे मिलते हैं वो सभी अनफर्टिलाइज रहते हैं, दरअसल इन अंडों से चूजे नहीं निकलते। लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब साइंस के माध्यम से खोजने की कोशिश की है। अगर लोग इस तर्क को मान लेते हैं तो अंडा शाकाहारी हुआ। अंडे के अंदर तीन परत होती हैं, पहली छिलके की परत होती है, दूसरी सफेदी और तीसरी परत अंडे की जल्दी पीले रंग की होती है। अंडे पर एक शोध किया गया है जिसके मुताबिक इसकी सफेदी में प्रोटीन पाया जाता है जिसमें जानवर का कोई हिस्सा शामिल नहीं होता है, इसलिए तकनीकी रूप से देखे तो एग वाइट यानी सफेदी शाकाहारी होती है। जिस तरह एग वाइट में प्रोटीन होता है उसी प्रकार जल्दी में भी प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और फैट भी पाया जाता है। जब मुर्गी और मुर्गे संपर्क में आते हैं तो अंडा पनपता है। इनमें गैमेट सेल्स पाया जाता है जो अंडे को मांसाहारी बनाता है, लेकिन बाजार में मिलने वाले अंडे में ऐसा नहीं होता है। मुर्गियां 6 महीने की होने के बाद अंडा देना शुरू कर देती हैं और यह 1 या 1.5 दिन में अंडा देती हैं। जो मुर्गियां बिना मुर्गे के संपर्क में आए अंडा देती हैं उन्हें अनफर्टिलाइज एग कहते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन अंडों से चूजे नहीं निकल सकते, इसलिए बाजार में जो अंडा मिलता है उसे शाकाहारी कैटेगरी में रखा जाएगा। आई होप यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।